टिकी रहती है अपने मुद्दों पर। क्या वजह है कि कांग्रेस को जो स्क्रिप्ट बीजेपी लिख रही है उसके ऊपर अनैक्ट करना पड़ रहा है, कौन सी वो मजबूरी है? इस पर जवाब देने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा, ये क्या वजह है कांग्रेस कह रही है बीजेपी ये सारा खेल कर रही है, तो इस खेल में कांग्रेस क्यों खिलाड़ी बन रही है फिर? कांग्रेस खिलाड़ी नहीं, वो हिट विकेट हो रही है। अपने बल्ला से ही वो विकेट को मार रही है। वो अपने अब अस्मिता गुम करके वो भटक रही है कि क्या अपने अस्मिता हो सकती है, और उसमें ही लोगों को समझ लिया कि ये धोखे में लगे हुए हैं। ये एक तरफ बोलते हैं कि मैं शिवा भक्त हूँ राहुल गांधी, फिर कहता मैं ब्राह्मण हूँ, फिर उसकी जो सहयोगी है वो दो लोगों का नाम गैर हिंदू में भर देते हैं रजिस्टर में। अब उन्होंने गहलोत जो था उसका नाम क्यों नहीं भरा? तो ये तो सहयोगी को कहना कि नहीं नहीं वो नहीं था, बीजेपी ने भर दिया, ये क्या कोई विश्वास करेगा? जो मंदिर के जो पुजारी हैं वही हंस रहे हैं क्योंकि उन्होंने आमने सामने देखा ये सब। तो इसीलिए इनको हिम्मत नहीं है ये कहने के लिए कि वो हिंदू हैं या नहीं हिंदू हैं। मैं तो जानता हूँ कि वो क्रिश्चियन है, और स्कूल सर्टिफिकेट और कॉलेज सर्टिफिकेट सब में उसने क्रिश्चियन ही लिखा है, और क्रिश्चियन स्कूल्स में ही गया है, सेंट कोलंबस में, फिर सेंट स्टीफन्स में, उसके बाद सेंट रॉलिंस कॉलेज फ्लोरिडा में, ये सब क्रिश्चियन स्कूल्स हैं। और गर्व से कहूं मैं हिंदू हूं, ये बात आप सुनते हैं ना, ये तो पूरे देश में। अब जब वो गर्व से कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूं, उसने काम कहा गर्व से कह रहे हैं कि मैं शिव भक्त हूं, मेरी दादी शिव भक्त रही थी, फिर क्या परेशानी है आपको? डर है कि राहुल गांधी का जो ये हिंदू कार्ड है कांग्रेस को फायदा पहुंचा जाएगा? भाई हमें क्यों डर होना चाहिए, हम जब सब जगह जीत रहे हैं और आप कहते हो हमें डर है। मैं ये कहता हूँ कि उनको शिव भक्त के माने क्या? अब इवांका अभी जो आई थी ट्रंप की, उसने भी कहा कि मैं आई एम एन एडमायरर ऑफ शिवा। कई लोग कह मैं गौतम बुद्ध का एडमायरर हूँ, मैं बुद्धिस्ट नहीं बन जाता हूँ, मैं गुरु नानक का एडमायरर हूँ, मैं सिख नहीं बन जाता हूँ। एक सीधी बात क्यों नहीं कहते, ये घुमा फिरा के क्यों कहते हैं? और क्या उनको सीधा कहना चाहिए मैं हिंदू नहीं हूँ, या कहना चाहिए मैं हिंदू हूँ? ये बात खत्म हो जाएगी, हमने शुरू नहीं किया, इन्होंने शुरू किया। स्वामी जी लेकिन कहा तो सही, सुरजेवाला तो आए, फोटो भी दिखाई है, वो जनऊधारी है, वो जनऊधारी हिंदू है, तो अब तो खत्म हो जाना चाहिए मामला। अब देखिए नहीं खत्म हो सकता, मैं तो साक्षी हूँ। वो जब राजीव गांधी की अंत्येष्टि हो रही थी और अग्नि में उनको जलाया जा रहा था, उस समय मैं मंत्री था, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, और चंद्रशेखर ने मुझे सौंपा था। वो पुजारी लोग तो कह रहे थे कि इसको हम आने नहीं देंगे, ये तो ब्राह्मण संस्कार में कर रहे हैं। फिर जनेऊ कहीं ढूंढना पड़ा, उसको जनेऊ कैसा पहनना ये भी नहीं जानता है, वो बदन के साथ होना चाहिए, वो कपड़े के ऊपर पहना, और जैसे नीचे उतरा उसने उतार दिया उसको। अब आज उसको उपयोग करके कहते हैं तो ब्राह्मण, ब्राह्मण तो कभी पैदा नहीं होता है ब्राह्मण के घर में, वो श्री कृष्ण भगवान ने कह दिया है, जो ज्ञानी है वो जो त्यागी है, और जिसने श्रद्धा दिखाई है, द्विजा की पूजा की है, वही ब्राह्मण बनता है। ये हमारी संस्कारी भी नहीं जानते हैं, कोई जिन्हें पहन ले अपने कपड़े के ऊपर वो ब्राह्मण बन जाता है। लेकिन क्या क्या धर्म पर, राम पर, मंदिर पर, हिंदुत्व पर बीजेपी का कॉपीराइट है? कोई और इस पर नहीं बात कर सकता या अपने आप को हिंदू नहीं बता सकता? नहीं, बट देखिए इस पर पॉलिटिक्स नहीं कर सकता। आप कॉपीराइट का सवाल, नहीं नहीं इसमें पॉलिटिक्स करें ना करें। अब कपिल सिब्बल वकील हैं सुन्नी वाकफ बोर्ड का, और मेरे सामने उसका विरोध हो रहा था, वो मेरे विरोध कर रहे थे उस दिन। अब 5 तारीख को देखो कपिल सिब्बल कहाँ बैठेंगे। तो राम सेतु में भी इन लोगों ने तोड़ने के लिए कोशिश की, मुझे कोर्ट में जाकर सुप्रीम कोर्ट में इसको रोकना पड़ा। उस समय कहा कि राम मिथ्या है, फिर देश में हंगामा हो गया तो विड्रॉ कर दिया अपने एफिडेविट को। तो इसमें कई एक कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये एक बार कहिए फिर पलटी मारो, फिर ये करो ये करो, इससे लोगों को लगता है कि आप दिल से बात नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम धर्म की दलाली नहीं करते हैं,
तो फिर कौन करता है धर्म की दलाली? धर्म का दलाली दो ही मजहब करती है, एक है क्रिश्चियंस जो रिश्वत देते हैं, जो पैसा देते हैं, जो स्कॉलरशिप्स देते हैं धर्म परिवर्तन करने के लिए, और दूसरा है इस्लाम जो दलाली नहीं करता, वो तो तलवार उठा देता है काफिर कह के। हिंदू कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करता है, वो कहता है तुम्हें हिंदू बनना है तो बोल दो मैं हिंदू हूँ, तुम हिंदू हो जाओगे। तो हिंदू का धर्म का कैसा दलाली हो सकता है? अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं ये पॉलिटिकल नहीं है, ये मामला जो है पूरा का पूरा रिलीजियस हो चुका है, और रिलीजन में तो दो ही है, एक तो क्रिश्चियन है और एक इस्लाम है। रिलीजियस नहीं है। हाँ, वो कह रहे हैं कि ये जो धर्म की दलाली है वो मैं नहीं करता हूँ, ये कोई और करता है। कौन करता है? हिंदू का धर्म दलाली हो ही नहीं सकता, वो सैद्धांतिक गलत होगी। और जहाँ राम है वो इसीलिए हम उठा रहे हैं क्योंकि बाबर अफगानिस्तान से आकर उसने उसको जानबूझकर तोड़ा। मस्जिद कहीं भी बन सकती है, नमाज कहीं भी पढ़ी जा सकती है, उसी जगह में क्यों जाकर उसने मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाया? ओ, हिंदुओं को नीचा दिखाने चाहते थे इसीलिए। अच्छा, तो ये बताइए तो फिर, और उसको रेक्टिफाई करने कोई तो धार्मिक होता नहीं है। जो ये वादा कर रही है कि राम मंदिर वहां पर हमेशा करती आई है, इनफैक्ट अब ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसी आधार पर हम वहां पर राम मंदिर बनाएंगे, या जो फैसला आएगा हम उसका सम्मान करते हुए आगे देखेंगे। आपने तो वादा किया था कि राम मंदिर वहीं पर बनेगा। वही बात सही है, तो वो तो है ही, वो तो हमारी अपेक्षा है क्योंकि हमारे तर्क से हमारे पक्ष में है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जीत गए और अब छोटी सी बात बाकी है, सुप्रीम कोर्ट में वहां भी जीत जाएंगे। केस तो मैं ही कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि हमारी केस इतनी स्ट्रांग है, मैं आपको समझा भी दे दूंगा। मेरा मूलभूत अधिकार है आर्टिकल 25 कॉन्स्टिट्यूशन में पूजा करने के लिए, जहाँ आस्था के अनुसार राम पैदा हुए। ये क्या बोल रहे हैं सुन्नी वाकफ बोर्ड? ये नहीं कह रहे हमारी मजहबी स्थान है, वो कहते हैं हमारी प्रॉपर्टी है। क्यों है? क्योंकि वो विदेशी जो था बाबर, उसने आकर कब्जा किया, वो मुसलमान था तो हम मुसलमान हैं इसीलिए हमारी प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये कोई मानेगा? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, तो हम जीतना निश्चित हो गया है। मूलभूत अधिकार मेरा, उनका साधारण प्रॉपर्टी की अधिकार। वही बात तो सर मैं कह रही हूँ कि आप कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फैसला आएगा उस पर हम, आपने तो ये वादा किया था कि मंदिर वहीं पर बनेगा, अब आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होगा उस आधार पर जो है हम आगे देखेंगे, इसीलिए तो बात दोनों परस्पर विरोध हो गया। ये आपका समझ में, आपके समझ में कमजोरी है। मेरी समझ दोनों में कोई परस्पर विरोध नहीं है, हम जीतेंगे। हाँ, मैं बता रहा हूँ तो समझ, का फैसला वहाँ मंदिर वहीं बनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला वही होगा। ये आप कैसे कह सकते हैं? Isn't in contempt of court? कैसे कह सकते हैं? क्योंकि सुनिए, तुम तो कुछ पढ़ते लिखते नहीं हो, ऐसे ही सवाल पूछते हो। इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट पढ़ा आपने? सर ऑफ कोर्स, उन्हें कहा है कि वहां ही राम पैदा हुए। मुझे पता है कि हाई कोर्ट का जजमेंट क्या था, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले क्या बताइए? राम कहां पैदा, कोर्ट के अनुसार राम कहां पैदा हुए थे? अरे सर, कोर्ट के अनुसार राम इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में तो फिर केस लड़ना ही नहीं चाहिए। क्यों सुप्रीम कोर्ट में फिर केस लड़ा सर? बिल्कुल, ये अपील में आए हैं, जब सुनवाई होगी रिजेक्ट हो जाएगी। सर आप ना बात घुमा रहे हैं, मैं एक सीधा सा आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि सुप्रीम मैं कोर्ट नहीं घुमा रहा हूँ, तुम घुमा फिरा कैसे? के बोल रहे हो, वही बात बार बार बोलते हो। मैंने कहा कि हम केस जीतेंगे। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ? मैं अनुमान अपनी बता सकता हूँ। अनुमान बता सकते, मैंने राम सेतु में भी बताया था, राम सेतु को कोई नहीं छू सकता। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, आप लगेगा उसीलिए तो सुनवाई, उम्मीद की जा सकती है। लगा नहीं पर लगेगा, उम्मीद की जा सकती है, वही तो मैं कह रहा हूँ। फैसला नहीं, मेरा अनुमान है। फैसला कहाँ, मैंने कहा सुनाई जा रहा है? कैसी बात करते हो आप? सर मैं आपको दोबारा से ये क्लिप भेज दूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो आपको समझ में नहीं आती तो मैं क्या करूँ? सर पूरे देश ने समझा जो आपने कहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट टू यू जो आप केस लड़ने वाले हैं, और फैसला क्या आता है उस पर हमें नजर बनाए रखनी होगी। लेकिन रागिनी नायक, धर्म की दलाली कौन करता है, इस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने टिप्पणी की।
राहुल गांधी कौन है इस पर भी उन्होंने टिप्पणी कर दी। अब आपका रिएक्शन चाहती हूं। देखिए, धर्म की समझ पर सुब्रमण्यम स्वामी जी बहुत देर तक बोलते रहे, ये नहीं उन्होंने बताया कि मोदी जी ने तो यहां तक कह दिया कि गणेश जी का सर प्लास्टिक सर्जरी की देन है, कर्ण के उद्भव को जेनेटिक साइंस बता दिया। तो ऐसी धार्मिक समझ तो हमारी कांग्रेस पार्टी की ना हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि गणेश जी भी हमारे लिए उतनी ही आस्था और भक्ति का विषय है जितने शंकर जी हैं। तो राजनीति को धर्म के साथ बराबर जोड़कर कहीं ना कहीं सत्ता की सीढ़ी बनाना, ये भारतीय जनता पार्टी और संघ बीएचपी और तमाम अन्य ऐसे संगठनों का लंबा काम रहा है। हम तो यही आज भी यही बात कह रहे हैं कि जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि धर्म निजी आस्था का मामला है, वो कांग्रेस पार्टी भी मानती है, राहुल गांधी भी मानते हैं। पर यदि राहुल जी के खिलाफ कोई षड्यंत्र होगा और सार्वजनिक जीवन में रहने वाला व्यक्ति जो बार बार ये दिखा चुका है, जो प्रमाणित है कि उसका धर्म क्या है, गुजरात चुनाव से पहले अगर उसके धर्म को मुद्दा बनाया जाएगा तो हम टाइमिंग पर जरूर सवाल उठाएंगे और ये कहेंगे कि आप विकास से बचकर भाग रहे हैं, इसीलिए धर्म को मुद्दा बना। पर पॉइंट की बात पर बार बार सवाल इसी बात पर आ रहा है कि साहब वो टाइमिंग को लेकर वो कुछ भी करते रहे, आप अपनी लाइन और अपनी लेंथ पर रहिए, आप क्यों वो जो सेट कर रहे हैं, वो जो लिख रहे हैं, वो जो सोच रहे हैं उस पर एनैक्ट कर रहे हैं। एज सिंपल इज दैट, अगर आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है तो ये हिंदुत्व वाली बात आगे ले जाने की क्या जरूरत है? क्या मैं उसका जवाब नहीं दूंगी? हां वकार साहब, अरे भाई जवाब ना दो तो कहेंगे वकार साहब नहीं है, ये कहें कि हम बता हम जवाब दें तो कहेंगे जवाब क्यों दे रहे हैं, चित भी मेरी और पट भी मेरी। वकार साहब जवाब दे रहे हैं, वकार साहब जवाब देंगे, सुनिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए स्वामी साहब को जब आपने लाइन पर लिया तो आपने हम सब की आवाजें बंद कर दी। स्वामी साहब अपनी लंबी लंबी छोड़कर चले गए। स्वामी साहब ने कहा कि दो धर्म ऐसे हैं जो एक तो पैसे के बल पर वो इस्लाम को कह दिया, तलवार के बल पर वो जिहाद करता है। तो सब हम लोग तो इस्लाम वाले लोग हैं। मैं स्वामी साहब से सवाल पूछना चाह रहा था, अब चले गए हैं तो मेरे बाद उनसे सवाल पूछ लीजिएगा कि उनके जो दामाद हैं उन्होंने इस्लाम को मानने वाले हैं, उन्होंने जो उनकी लड़की से शादी की है वो मोहब्बत और किरदार के बल पे की है या तलवार के बल पे की है, और वो उनको स्वामी साहब को बताना पड़ेगा। तो स्वामी साहब ये भी बता दें कि दुनिया भर में इस्लाम के विरोध में बोलते हैं, नफरत का पैगाम देते हैं, तो क्या वो अपने दामाद और बेटी से भी उतनी नफरत करते हैं जितनी वो लोगों से कहते हैं कि इस्लाम से नफरत करो? तीसरी बात, ये दोहरे और झूठे किरदार के लोग हैं, ये फरेबी और मक्कार टाइप के लोग हैं। हिंदुस्तान को अगर किसी से खतरा है तो वो आरएसएस और उसकी मानसिकता से खतरा है, बीजेपी से खतरा है। आरएसएस और बीजेपी जब तक हिंदुस्तान में रहेंगे तब तक हिंदुस्तान कभी खुशहाल नहीं हो सकता। ठीक है, संप्रदाय ठीक है सर, अब मैं जवाब लेना चाहती हूँ। हिंदुस्तान दो बातें, एक तो ये कि राजनीति जी ने अब तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जनेऊ तो एकदम दिखा दिया, नेहरू जी ने जो कहा था कि मैं एक्सीडेंटली हिंदू हूँ और सोमनाथ के मंदिर के बारे में उन्होंने क्या कहा था, इसका जवाब नहीं मिला, इसलिए नहीं मिला। अब कौन बोल रहा है बीच में? सर एक सेकंड सुन लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ आसिम वकार। अच्छा, सोमनाथ का तो मंदिर बना असीम साहब, अब मैं मुझे वक्त मिला, बड़ी देर बाद वक्त मिला। आप करती है नहीं भी करती है तो भी श्रेय नरेंद्र मोदी जी को मिलता है, लेकिन सोमनाथ मंदिर बना नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में बना, पर आप नेहरू जी पर ही सवाल उठाते रहे। उन्होंने मना किया था, अरे अपनी सोच उनके मना करने के बावजूद बना था। आप तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके मना करने के बावजूद बना था। आप मुझे ये बताइए कि सरदार पटेल को लिखित ये सारी चीजें किताबों में लिखी हुई है, आपको भी पता है, चाहे वो उस वक्त के प्रेसिडेंट रहे हो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको वहां जाने और इनॉग्रेट करने से रोका गया हो, या फिर उस मंदिर को बनाने के लिए सुभाष चंद्र बोस को रोका गया हो, नेहरू गांधी का क्या इसमें रोल रहा है? आप किरदार बहुत अच्छे से इस मामले में जानती है, मुझे अब उस हिस्ट्री के पेज पर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपनी जेश जी लास्ट 30 सेकंड्स ये कि सिर्फ असीम वकार साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग, अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, चंगेज खान, इन सब मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इन सब ने तलवार के दम पर यहां पर जितना लाशें बिछाई हैं, और ये मैं आरएसएस के इतिहासकार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ज़ियाउद्दीन बरनी की बात कर रहा हूं। और जिन राजी नायक ने कहा था कि गणेश की बात, वो जरा अलबरूनी का भारत पढ़ ले, अलबरूनी ने भारत के बारे में जो वर्णन किया आज से 1500 साल पहले, वो आज का विज्ञान वहां तक नहीं पहुंचा जो अलबरूनी ने 1500 साल पहले भारत के बारे में कहा। ठीक है वकार साहब, अब मुझे वाइंड अप करना है। देखिए मामला जो है कुल मिलाकर लौट के वापस उस
धर्म पर ही आ गया। जबरा आपसे राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि धर्म की दलाली हम नहीं करते, बेसिकली वो ये कह रहे हैं वो आप करते हैं। ये सवाल आपने मुझसे पूछा रूबिका जी, जी 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 आवाज कम आ रही है। हाँ हाँ बिल्कुल डॉक्टर पात्रा आपसे। रूबिका जी बड़ा दुखद विषय है कि देखिए चंद दिनों पहले जो लोग ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह के संबोधित करते थे, आज अचानक वो सारे लोग शंकराचार्य बन जाना चाहते हैं। अमित शाह हिंदू नहीं है, मोदी जी नकली हिंदू हैं और असली हिंदू रुद्राक्ष पहनती थी, और ये जो उनकी दादी माँ ये शिव भक्त थी, उनका परिवार शिव भक्त था, राहुल गांधी स्वयं शिव भक्त हैं, आज अचानक शिव भक्त बनने की आवश्यकता पड़ रही है। देखिए बड़ा दुखद विषय है, जिन लोगों के लिए राम भगवान का अस्तित्व नहीं था, चंद दिनों पहले इन्होंने एफिडेविट सबमिट किया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम मिथिकल है, राम काल्पनिक है, आज अचानक शिव भक्त बनने की आवश्यकता पड़ रही है। अरे भैया वो लोग बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद जिन सोनिया गांधी को 3 दिन तक नींद नहीं आई थी, वो दहाड़े मार मार कर रो रही थी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सलमान खुर्शीद ने कहा था, और आज अचानक उनको शिव भक्त बनने की जरूरत पड़ रही है। मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है मोदी जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले ये लोग इस प्रकार के लोग हैं कि इनको अगर पता चलता है कि हिंदुओं को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके तो पंजा छाप से ये जनेऊ में आ जाएंगे, कहेंगे जनेऊ अब हमारा चिन्ह बनने वाला है चुनाव का। ये इस प्रकार के दोगले नीति के लोग हैं, मगर हिंदुस्तान की जनता वास्तविक रूप में जानती है कि हिंदू कौन है और हिंदू कौन नहीं है। चंद दिनों पहले ये लोग शर्मसार महसूस करते थे अपने आप को हिंदू बोलने में, हाँ आज अचानक ये रनिंग रेस लगा रहे हैं कि हमें हिंदू बोलो, हमें हिंदू बोलो, अब फायदा क्या है, चिड़िया चुग गई है। रागिनी अब क्या फायदा है, अब तो चिड़िया खेत चुग कर चली गई है। ये बकौल डॉक्टर पात्रा मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन सवाल तो सीधा ये है कि आपके नेताओं का फेवरेट वर्ड क्यों है दलाली, इतना क्या लगाव है उनको इससे, खून का सौदागर, मौत का सौदागर, खून की दलाली और अब धर्म की दलाली। रूबिका अव्वल तो राहुल जी ने किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष का नाम लेकर उन्हें दलाल कहा नहीं, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो भाजपा संघ वीएचपी और तमाम संबंधित संगठन अगर इसे अपने ऊपर लेना चाहते हैं तो उन्हें साधुवाद। राहुल जी ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरी दादी और मैं ये मानते हैं कि धर्म हमारी निजी आस्था का मसला, इसीलिए हमारे लिए स्वार्थ सिद्धि, सत्ता और राजनीति का मार्ग वो कतई नहीं हो सकता, इसमें क्या गलत बात है। उन्होंने कहा कि मैं राजनीति का व्यापार नहीं करता, बिल्कुल ठीक कहा, इसीलिए चुनाव शुरू होने से लेकर अब तक जब तक भारतीय जनता पार्टी ने राहुल जी के खिलाफ एक षड्यंत्र नहीं रचा, हमने तो नहीं कहा कि हम हिंदू हैं कि गैर हिंदू हैं या किस धर्म के हैं, हमने तो ये नहीं कहा कि हमें धर्म के नाम पर वोट दीजिए मत दीजिए, हम तो सवाल पूछ रहे थे, हम पूछ रहे थे कि 50 लाख घर आपने कहे थे लेकिन आप 5 लाख भी नहीं बना पाए, आपने 62,000 करोड़ की बिजली केवल 4 निजी कंपनियों से क्यों खरीद ली, हमने सवाल पूछा कि गुजरात 18वें नंबर पर क्यों है शिक्षा के पायदान में, हमने कहा कि 10,000 किसानों को क्यों आत्महत्या करनी पड़ी, लेकिन संबित पात्रा जी के पास इन सबके जवाब तो होंगे नहीं, इसीलिए बार बार धर्म के मसले को कुरेदेंगे। और याद रखिएगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने माना था सुप्रीम कोर्ट के पास जाकर कि हिंदू धर्म तो धर्म ही नहीं है, ये तो केवल जीवन शैली है, हिंदू धर्म की विवेचना व्याख्या केवल शंकराचार्य। ठीक है, मैं वकार साहब के साथ जा रही हूँ और उसके बाद आप सब आपस में इस चीज को लेकर अब सवाल जवाब कर सकते हैं, लेकिन चूंकि रागिनी ये कह रही है वकार साहब कि उन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहा, तो मैं इसे फर्ज कर लेती हूँ कि हो सकता है आपका ध्यान आ गया उनको जब ये बात कर रहे हो, आप लोग धर्म की दलाली क्यों करते हैं, फिर बंद कर दीजिए। नहीं, कौन धर्म की दलाली करता है कौन नहीं करता है ये हिंदुस्तान का आवाम बेहतर जानता है, और मैं समझता हूं कि जिस तरह से मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने साबित किया है कि MIM सेकुलर पार्टी है, हम सब की बात करते हैं, हम दलितों की, मजलूमों की, मुसलमानों की, ब्राह्मणों की, ठाकुरों की, ईसाइयों की, सिखों की, सब की बात करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को हमसे सीखना होगा। हिंदुस्तान में अगर राजनीति करना है तो ईमान की और हक की राजनीति करना होगा, देश तभी आगे जाएगा जब देश के लोग आगे जाएंगे,
देश का आवाम आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। किसी एक धर्म या जाति को लेकर अगर आगे चलेंगे और बाकियों को मौत के घाट उतारने की बात की जाएगी, पीछे ढकेलने की बात की जाएगी, कत्ल करने की बात की जाएगी, तो मुल्क तरक्की कभी नहीं कर सकता है। मुल्क में कोहराम मच जाएगा, मुल्क में कत्लेआम मच जाएगा, लेकिन मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता है। मुल्क को अगर आगे लेके जाना है तो असद वैसी साहब की नीति पर आगे बढ़ना होगा, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नीति पर आगे बढ़ना होगा। और यही वजह है कि आज आप देखिए कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उत्तर प्रदेश में जो निकाय चुनाव हुए हैं उसमें जहां जहां हम लड़े हैं, हमने बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और सपा को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और जो फिरोजाबाद की नगर निगम सीट थी उसमें आप जाके देखिए कि समाजवादी पार्टी हमसे नीचे है, हम समाजवादी पार्टी से ऊपर है। हम 56,000 वोट पाकर सेकंड पोजीशन पर हैं। भारतीय जनता पार्टी से हमारी सीधी टक्कर हुई है, वहां के हिंदू और मुसलमानों ने सब। वाह सर, गजब की आपकी सेक्युलर पार्टी है, नाम है ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप बात करते हैं हिंदू सिख ईसाई की, लेकिन जो रिजर्वेशन है सिर्फ मुसलमानों के लिए मानते हैं, और आप बोलते हैं कि आपकी पार्टी सेक्युलर है और आप धर्म की किसी कीमत पर दलाली नहीं करते हैं। अंडरस्टूड, वेल टेकन। आपने जयेश जी, जी आप लोग तो अखंड भारत का सपना देखते हैं, आप लोग तो चाहते हैं कि सब के सब जो है मेजोरिटी जो सोच है उसके साथ जाए या उसके उसकी उसकी बातों को एटलीस्ट अग्री करे, माने। अब जब कांग्रेस पार्टी मंदिर मंदिर जा रही है, जनेऊ की बात कर रही है, तो फिर क्या परेशानी होनी चाहिए? शिव भक्त खुद को नहीं, बहुत अच्छी बात है, तो क्या परेशानी होनी चाहिए? कोई परेशानी कहाँ है इसमें, किसको परेशानी है, कौन कह रहा है? बात तो सिर्फ इतनी सी है कि मैं बात शुरू करता हूँ कि चूंकि शायद 1.5 मिनट का समय आप शुरुआती उसमें देते हैं कि रागिनी नायक ने कहा कि ये इन्होंने कहा कि हिंदू धर्म नहीं है, जीवन शैली। एक तो मैं, रागिनी जी आप थोड़ा सा अपना होमवर्क कर लिया कीजिए, ये उच्चतम न्यायालय ने कहा था, उच्चतम न्यायालय ने माना कि हाँ हिंदू धर्म नहीं है कोई, हिंदू एक जीवन शैली है और भारतवर्ष में रहने वाला किसी भी उपासना पद्धति को स्वीकार कर सकता है, स्वतंत्र है, लेकिन एक जीवन शैली के नाते वो यहाँ पर जो भारतवर्ष की हजारों साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति है उसका एक स्वाभाविक रूप से उसका उसकी विरासत में है, एक बात। दूसरी बात यह कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन बात वही है ना कि जब इम्तहान से पहले कोई जाता है ना मंदिर, तो उसका कोई फल नहीं मिलता क्योंकि मेहनत तो की नहीं होती। आपको अगर किसी को भी मालूम हो कि इससे पहले कब जाते थे मंदिर, एक बात, मंदिर जाना अब उस आज भी बुरा नहीं है, लेकिन बात यह कि मंदिर जा करके तो आप फोटो ट्वीट करते हैं, सब जगह बताते हैं। अरे चीनी राजदूत से क्या चुपचाप बातचीत की थी, वो क्यों नहीं ट्वीट की? उसकी भी तो ट्वीट करनी चाहिए थी, बताना चाहिए था। इस देश को हक ही है जानने का कि आप डोकलाम के मसले पर जिस समय द्वंद्व चल रहा था उस समय आप चीनी राजदूत से आपने क्या बातचीत की, और वो भी बात नहीं, बात सिर्फ ये नहीं कि नहीं बताई, पहले आया कि हम नहीं मिले, झूठ बोलना पड़ा कांग्रेस को, और उसके बाद कहा कि जब वहां से आया खबर कि नहीं मिली, फोटो आई तो उनका हाँ हाँ मिले थे मिले थे मिले थे। ये जो झूठ है ना, ये जो भगवा आतंकवाद का इन्होंने कहा था कि भगवा आतंकवाद है, सेफन एक्सट्रीमिज्म है, हिंदू एक्सट्रीमिज्म है, बात इसकी है असली। अब टाइम ऊपर हो गया है, रागी नायक अब मैं डिबेट ओपन कर रही हूँ और इसी सवाल के साथ कि अभी ट्विटर पर एक चीज बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड कर रही है वो ये है कि वीर सावरकर ने कहा था कि एक दिन ऐसा आएगा जनेऊ शर्ट के बाहर आ जाएगा, रुद्राक्ष की माला बाहर दिखने लगेगी, और यही चीज जो है सच में आज की तारीख में दिख रही है। 20 मंदिर राहुल गांधी जाते हैं लेकिन कैमरा के साथ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा फेथ अपना फेथ है, बहुत पर्सनल मामला है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन दिखता सबको है। ये सॉफ्ट हिंदुत्व खेल कौन रहा है? सावरकर को यह गद्दार कहते हैं वैसे। देखिए सबसे पहले तो अग्निवेश जी की बात का जवाब दे दूं कि मोदी जी, भागवत जी और योगी जी तीनों ने सार्वजनिक रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसे स्वीकारा है, इसीलिए ये तो बात सुप्रीम कोर्ट को स्वीकारना गलत बात है क्या? सुनी नहीं, नहीं नहीं, नहीं सुप्रीम कोर्ट को, मैं समझती हूँ सुप्रीम कोर्ट की बात को स्वीकारना आपके लिए गलत है कि आप कहें कि हिंदू धर्म को धर्मी नहीं है और फिर हिंदू धर्म के खुद ठेकेदार बन जाए। पहले आप, आपके लिए उच्चतम न्यायालय का कोई सम्मान नहीं है, आप शाहबानो फैसले को बदल देते हैं। मेरे धर्म की विवेचना करने का अधिकार आदिकाल से शंकराचार्य के पास है, सुप्रीम नहीं है ना, अग्निवेश जी आपके पास है ना, मोहन भागवत जी के पास है ना, मोदी जी के पास है और ना सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर आप मानते हैं कि हिंदू धर्म है तो आप बोलते ना खड़े होकर।
पर क्या? आप कंटेस्ट करते हैं इस बात को? किस बात? आप तो हाँ में हाँ मिलाकर सार्वजनिक रूप से मंचों से यही घोषणा करने लगे कि हिंदू धर्म धर्म ही नहीं है, और जब चुनाव आता है तो मंदिर की, धर्म की, धार्मिक प्रसंगों की, धर्म स्थलों की सबसे घटिया राजनीति आप करने पर उतर आते हैं। लेकिन छोड़िए, मैं रूपिका के सवाल का जवाब देना चाहती हूं। इधर रहती ना उधर रहती। रूपिका, अगर ये चुप होंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब जरूर देना चाहूंगी। कहते हैं कि हम लोगों ने कहा, आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मान गए थे, मानना गलत बात है क्या? आप कहते हैं विरोध क्यों नहीं किया आपने, हम विरोध क्यों करें? हम मानते हैं कि मेरा धर्म नहीं एक शैली है, जीवन शैली जो भारत वर्ष में रहने वाले किसी भी उपासना पद्धति के मानने वाले को होती है। हिंदू धर्म को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, आप दोनों एक सेकंड लीजिए, आप दोबारा ट्रैक कर ले, आप दोनों एक सेकंड। मेरा सवाल ये है तो कि कल तक विकास जो पागल था, फिर हम परसों तक पागल था, फिर उसके बाद कल हमने डिबेट की कि ये तो विकास धार्मिक हो गया है, और आज विकास जो है दलाल भी दिख रहा है। व्हाट इज दिस हैपनिंग रागिनी? आप लोग शानदार जीएसटी का काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया तरीके से डीमोनेटाइजेशन पर जो है बातचीत कर रहे थे, ये क्या हो गया कि आप इस ट्रैप में फंस गए हैं? ये क्या हो गया कि आपको ये बताना पड़ गया कि राहुल गांधी की दादी क्या धर्म फॉलो करती थी, राहुल गांधी क्या फॉलो करते हैं, वो कौन सा जनेऊ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं, क्या जरूरत आन पड़ी आपको? उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्यों नहीं कहा, जिन्होंने कहा कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, क्यों नहीं कहा उन्होंने? सही सवाल पूछा, क्यों नहीं कहा? सुन लेते हैं। आपका नाम रागिनी नायक है, अविनेश जी आपका नाम रागिनी नायक है, मेरा अविनेश नाम है, आपका नाम रागिनी नायक करना चाहते हैं आप? नहीं, आप उसका भी जवाब बोलने दीजिए, सिर्फ इंदिरा गांधी तक क्यों? नेहरू जी के बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना। अच्छा, मैं जवाब लेना चाहती हूँ, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, आपने बिल्कुल वाजिब सवाल उठाया रूबिका, ये अचानक क्या हो गया? जैसे ही मोदी जी को लगा कि 22 साल में जिस विकास की दुकान को वो हर चुनाव से पहले खोल कर रखते थे, अब गुजरात में ही बंद हो रही है, तो अचानक से मुद्दे बदल गए। मोदी जी ने एक भी रैली में विकास की बात नहीं की, उन्होंने जातिवाद की बात की, हिंदू आतंकवाद की बात की, इंदिरा गांधी की बात की, राहुल गांधी की बात की, विपक्ष की बात की, मैं चाय बेचता हूं मेरा अपमान हो गया बात की, पुरानी तस्वीरों की बात की, लेकिन विकास की बात नहीं की। ये मुद्दा क्यों कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना पड़ा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष से इतना डर गई भारतीय जनता पार्टी कि षड्यंत्र पर उतर आई। आप अगर हमारे धर्म को कटघरे में खड़ा करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब आपको देंगे। इसीलिए मोदी जी स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कौन छोटा हिंदू है? अगर वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसके ऊपर आप लोग अनैच कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी उस स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं, बनाना चाहेंगे, उनके पास अपनी स्क्रिप्ट नहीं है, उनके पास अपने मुद्दे नहीं है, ये बताइए रागिनी, उनके पास अपने मुद्दे नहीं है। राहुल गांधी रोज एक सवाल पूछ रहे हैं, संबित पात्रा डिबेट नहीं कर रही हैं, उस सवाल पे संबित पात्रा जवाब नहीं दे रहे हैं। बताइए आपको जनेऊ ज्यादा दिख रहा है, आप लोग ये कह देते, आप लोग ये कह देते, इट इज आवर पर्सनल मैटर, खुद के मन में चोर है, हमारा पर्सनल मामला है, खबरदार कोई सवाल पूछेगा, सवाल पूछा तो हम जवाब नहीं देंगे। फोटो दिखाने की क्या जरूरत पड़ेगी? ट्विटर पर ट्रेंड करवाने की क्या जरूरत पड़ेगी? कौन सा खौफ खाया जा रहा है आपको? डॉक्टर पात्रा, अब आप अगर धर्म के अखाड़े में कूदे हैं तो धर्म संकट में फंस के जाइएगा। ठीक है, संकट में फंस गए डॉक्टर पात्रा आप। मैं बहुत खुश हूं कि आज इस संकट में फंसा हूं, क्यों खुश है बताता हूं मैं। रूबिका जी, इतने दिनों तक सेक्युलरिज्म के नाम पर एक दौड़ चल रही थी कि कौन ज्यादा इफ्तार पार्टी मना सकता है, कौन टोपी पहन के मजार पे जा सकता है, हिंदुओं को कौन गाली दे सकता है, कौन हिंदुओं को आतंकवादी कह सकता है। आज पहली बार इस देश में, थैंक्स टू मोदी जी, आज पहली बार इस देश में एक रनिंग रेस हो रहा है कि मैं बड़ा हिंदू, मैंने आपके बीच में बिल्कुल नहीं बोला, मैंने बिल्कुल बीच में नहीं बोला था, आपने अभी अवनिजेश जी को मना किया था कि बीच में मत बोलिए। रूबिका जी, मैंने रुकिए, शालीन तरह से हम लोग एक दूसरे की बात सुन लेते हैं। रागिनी, जब आप बोल रहे थे तब सच में डॉक्टर पात्रा नहीं बोले थे, अब वो आपसे यही चीज डिमांड कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें इस चीज को फॉलो कर लेना चाहिए। एक बार कह दें वो अपनी बात, उसके बाद मैं आपसे पूछ लूंगी जवाब। हाँ, अब आप एक के खिलाफ दो बुलाएंगी तो मुझे बीच में तो बोलना ही पड़ेगा। अरे रागिनी जी, असीम साहब है तो सही सेक्युलर पार्टी के, वो भी तो अलमदार हैं।
वो अपने आप को कह रहे हैं मैं हमेशा डिबेट में ये चीज का ख्याल रखती हूँ। राजनीति का क्या लेना देना है? नहीं नहीं, ताल ठोके में इस बात का हमेशा ख्याल रखा जाए। क्या लेना देना? पार्लियामेंट में आप उनसे समर्थन लेते हैं सरकार बचाने के लिए? भाजपा को बुलाएं, महिलाओं को कमजोर नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूँ आपके साथ, ठीक है? मैं हूँ आपके साथ। क्या ये किस प्रकार से, ये महिला की बात नहीं है, ये बराबरी के समय की बात है। अरे कितनी और बराबरी, कह तो रही हूँ मैं आपको, अब और कितना साथ आपको चाहिए? हाँ डॉक्टर पात्रा, देखिए मुझे इस बात की खुशी है रूबिका जी, और इसलिए मैं ज्यादा भी कहना नहीं चाहता हूँ। अगर आज एक रनिंग रेस लगा हुआ है कि मैं बड़ा हिंदू हूँ और हमने बड़े बड़े रुद्राक्ष पहने हुए हैं, हम शिव भक्त हैं, जो लोग घृणा से शिव की नाम लेते थे, जो राम का नाम और जय श्री राम बोलने तक से कतराते थे, जब मोदी जी ने सिंजो आबे को एक भगवत गीता प्रेजेंट किया था तब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अरे भगवत गीता दे दिया, सेक्युलरिज्म की हत्या कर दी, जब मोदी जी ने रामलीला के दिन लखनऊ में जय श्री राम का नारा लगाया था तब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, अरे जय श्री राम कह दिया, इस प्रकार से किस प्रकार सेक्युलरिज्म की हत्या कर दी, और आज ये सारे लोग हिंदू बनने की कोशिश कर रहे हैं, पंडित नेहरू, ये सारे लोग आज हिंदू बन रहे हैं। अरे बनिए बनिए, सोमनाथ मंदिर बना फिर शुरू हो गया। रूबिका जी मैं 50 सेकंड बोल सकता हूँ, ये पढ़े लिखों के बीच का डिबेट है, प्लीज मैं बोल सकता हूँ, और आप हमें हिंदू विरोधी बताने में लगे हुए हैं। रूबिका जी मैं इस प्रकार 50 सेकंड दे दीजिए ना, इतना रागिनी 50 सेकंड दे दीजिए, मैं 50 सेकंड कंप्लीट कर सकता हूँ, प्लीज मुझे 50 सेकंड कंप्लीट करने दीजिए, मैं इस प्रकार लड़ना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैं आज खुश हूँ, हिंदू धर्म की जीत हो रही है, तो मुझे प्लीज अपना 50 सेकंड की खुशी मनाने दीजिए। देखिए आज अमिताभ बच्चन ने अभी एक खबर जारी की है, आपको पता होना चाहिए, अमेठी भी गया हाथ से, अमेठी भी, ये रोड साइड प्रवक्ताओं को क्यों बुलाती हैं आप रूबिका जी, रोड साइड प्रवक्ताओं को रोड पे ही रखिए, इनको टीवी पे मत बुलाया करिए। डॉक्टर पात्रा, नो पर्सनल अटैक्स, शी इज अ रोड साइड प्रवक्ता, प्लीज बुरा मत मानिएगा, द वन हु इज नॉट एजुकेटेड, द वन हु डज नॉट अंडरस्टैंड दैट शी शुड नॉट इंटरप्ट, शी इज अ रोड साइड स्पोक्सपर्सन, शी इज अ रोड साइड स्पोक्सपर्सन, अनएजुकेटेड, अनकाउंट रोड साइड स्पोक्सपर्सन, आप 50 सेकंड तक बोलने नहीं देते, और एक महिला के साथ इस तरीके से बिहेवियर मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूं। लंबी सांस, कोई महिला वाली बात नहीं है, सीधे स्पोक्सपर्सन, जो स्पोक्सपर्सन दूसरे की इज्जत नहीं कर सकती, देखिए रोड साइड है या लुथियन साइड है, वी डोंट नीड टू नो दिस, ये इनका चरित्र है, नहीं नहीं मुझे ये पसंद नहीं है डॉक्टर पात्रा, और ना व्यूअर्स को पसंद है, मैं मुद्दे पर आ रही हूं, मैं मुद्दे पर आ रही हूं, बस हो गई बात, हो गई बात, अब मैं मुद्दे पर आ रही हूं, मुझे 50 सेकंड आगे बोलने दिया जाए, डॉक्टर चाहते हैं ना, मैं रोड साइड प्रवक्ता हूं, रूबिका जी 50 सेकंड बोलने का अधिकार है ना मुद्दे पर ही, रोड साइड प्रवक्ता के मुद्दे पर 50 सेकंड बोलने का अधिकार है ना, सवाल पूछ रहे हैं, ये आपकी शब्दावली, आप चुपचाप बैठ जाइए, आप यहाँ चुपचाप बैठिए, मुझे 50 सेकंड बोलने दीजिए, यही चाल रागिनी, यही चेहरा है, हाँ रागिनी बस एक सेकंड, डॉक्टर पात्रा ये ऑलवेज वेरी क्लासी, जब भी आप माफी मांगिए पहले, रूबिका जी मैं 50 सेकंड तो मांगिए संबित पात्रा जी, एक महिला को इस तरीके से हरा करने का आपको कोई नहीं, जैसे कि कैसे करना पड़ेगा रूबिका जी, आप बचा रहे कि नॉर्मल, अरे 50 सेकंड आप बोलने तो दीजिएगा, लेकिन ये पर्सनल अटैक, आधे घंटे से हम लोग बैठे हुए हैं, 50 सेकंड बोल सकते हैं ना, ये तरीका ठीक नहीं, आप 50 सेकंड मैंने आपको दिए, जल्दी से बोलिए, बिल्कुल नहीं, विदाउट एनी डिले स्टार्ट स्पीकिंग, थैंक यू। देखिए रूबिका जी, आज जिस प्रकार से अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई है, अमेठी भी गई हाथ से, अब ज्यादा दिन मत गुजारो गुजरात में, वापस आओ उत्तर प्रदेश में, अपने अमेठी को संभालो, मैं हिंदू हूं, मोदी जी दलाली कर रहे हैं, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, और केवल मोदी जी के लिए नहीं, याद करिए ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने सेना के लिए कहा था ये खून की दलाली करती है, आप बताइए जिन लोगों ने सेना के अध्यक्ष को सड़क के गुंडे, मोदी जी के लिए दलाली का शब्द, तू जाके चाय बेच, मौत का सौदागर,
ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, क्या ऐसे लोगों को आड़े हाथ लेकर इनको एक्सपोज नहीं करना चाहिए? और देखिए अभी एक बड़ी बात कही अजनिवेश जी ने, उन्होंने कहा अजनिवेश जी ने कि ये जो हिंदुत्व है ये एग्जाम से पहले, इम्तिहान से पहले मंदिर जाने के बराबर है कांग्रेस का हिंदुत्व। मैं उससे सहमत नहीं हूं, मैं तो मानता हूं ये ढोंगी बाबा वाला हिंदुत्व है। तो कुछ ढोंगी बाबा होते हैं ना, बच्चों को पकड़ने के लिए हिंदू उनके मन में है ना, धारण करते हैं मंदिर वो जा रहे हैं कि हम, वो बता रहे हैं कि हम शिव भक्त है, तो आपको कौन सा खौफ खाया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है कि आपका कॉपीराइट है हिंदुत्व? कोई खौफ नहीं खा रहा है, हिंदू धर्म पर आपका कॉपीराइट है? रुबिका, कांग्रेस अगर तो अपने नेता की उस रिपोर्ट पर हमने तो कहा कि वो जाए, तो आपको दिक्कत क्यों होने जिस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मोदी जी दलाली कर रहे हैं, ना नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर वो कह रहे हैं मोदी जी दलाली कर रहे हैं, मोदी जी असली हिंदू नहीं है, अमित शाह हिंदू नहीं है। इस विषय पे हमें लगता है कि जरूर कांग्रेस को आड़े हाथ लेना चाहिए, क्यों नहीं लेना चाहिए? अच्छा, हमने तो कहा जरूर मंदिर जाइए, हर दिन मंदिर जाइए, वही जो कहते थे मंदिर वो लोग जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। सारे बड़े एनालिस्ट कर चुके थे कि लास्ट लैग जो होने वाला है 9 तारीख से पहले पूरा का पूरा मसला कम्युनलाइज करने की पूरी कोशिश होने वाली है और वो चीज दिखती नजर आ रही। रागिनी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले अवनिजेश जी मुझे ये बताइए, तो राहुल गांधी की फैमिली ट्री में राहुल गांधी कहाँ से आते हैं? राहुल गांधी हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसमें इंटरेस्ट आप लोगों का भी तो है ना, क्यों है इंटरेस्ट? छोड़ दीजिए उसे, नहीं हमारा इंटरेस्ट कोई नहीं है, लेकिन आप इसको क्यों कह रही है? अगर कोई अगर हिंदू धर्म की बात करता है तो कम्युनलाइज हो गया, नंबर एक बात। मैंने पहले भी कहा और अभी पूछा कि अभी अच्छी बात है कि वो जवाब का सवाल मांग रहे थे, राहुल गांधी तो जवाब का सवाल मांग रहे थे ना, उन्होंने कहा कि मैं इस जवाब का सवाल चाहता हूं, ऐसा बोला उन्होंने, तो सवाल में उनको सवाल मिले उनको कि आप बताइए कि नेहरू जी ने ये क्यों कहा था कि मैं एक्सीडेंटल हिंदू हूं, उन्होंने क्यों सोमनाथ के मंदिर पर राजेंद्र प्रसाद को कहा था कि नहीं बनना चाहिए सरकार की तरफ से, इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने, फटाक से आधे घंटे के अंदर जनेऊ तो दिखा दिया ला करके, लेकिन ये जो सवाल उठाएगा ये इसका जवाब क्यों नहीं दिया? ये सिलेक्टिव आंसरिंग नहीं चलेगी कि जिसका जवाब नहीं है जिसको आप गोल कर जाएं, आपको इस बात का जवाब दिया जाना, आपको इस बात का जवाब देना है कि आपने हाफिज सईद की रिहाई पर क्यों ताली बजाई थी, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है, सिर्फ कम्युनलाइज ये सिर्फ सांप्रदायिकता नहीं है, कम्युनलिज्म नहीं है ये, जिस सवाल का। और आप इंदिरा गांधी तक तो पहुंचे ना कि रुद्राक्षी माला पहनती थी, इसकी जरूरत नहीं थी आपको, आपको तब अगर आपको पहुंचना था तो और पीछे तक पहुंचते, नंबर एक बात। और ये बात सीधी सी बात है कि मैं संबित पात्रा सहमत हूं कि आज अगर नैरेटिव बदला है, कल तक ये लोग हिंदू आतंकवाद की बात करते थे, सुशील कुमार शिंदे राहुल गांधी और सोनिया गांधी की प्रेजेंस में कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद है, अमेरिका में जाकर के अमेरिकी राजनयिक से कहते हैं कि इस देश को और मुझे हिंदू आतंकवाद से ज्यादा खतरा है, उनको उस सवाल का जवाब देना चाहिए, उस सवाल का जवाब नहीं देंगे, एक ऊपर से जनरल लाकर के दिखा दिया और कह दिया कि हम हिंदू हैं। बात पते की ये है कि इस देश में कांग्रेस को अगर सबसे ज्यादा, सुनिए, कांग्रेस को मुसलमानों का पैरोकार के तौर पर उस पार्टी को देखा जाता था, आज क्या है कि आप लोग सॉफ्ट हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? कौन सा वो जो गोल पोस्ट है वो चेंज हो गया है? क्यों इस तरीके की बातें राहुल गांधी को करनी पड़ी? राहुल गांधी तो अलग किस्म की राजनीति करने आए थे ना, वो क्यों अब अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू, मैं ही हूं शिव भक्त, मेरी दादी शिव भक्त, हम हैं सबसे बढ़िया वाले हिंदू, हमारे साथ आ जाओ कहने की जरूरत पड़ रही है? धार्मिक दलाली, धर्म की दलाली हम नहीं करते हैं, ये कहने की क्यों जरूरत पड़ रही है राहुल गांधी को? रुबिका जी, आपके माध्यम से, एक सेकंड, माध्यम से कह रहा हूँ कि जो सवाल मैंने उठाए हैं कि नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने सोमनाथ मंदिर के बारे में क्या था और एक्सीडेंटल हिंदू के बारे में क्या कहा था, अब ये फिर इनका नाम रागिनी नायक हो गया है क्या? ठीक है, रागिनी जी, आप रागिनी को बुलवा लीजिए जब आप मेरे बीच में बोलती थी तो आपका नाम संबित पात्रा हो जाता था। संबित पात्रा, जरा शर्म करो तुम। अब अवस्थी जी के ऊपर आप की कोई हद होती है? मैं तो इतनी नीचे नहीं गिर सकती जितने तुम्हें गिरने की आदत है, तो मेरी बात रागिनी जी, अगर इस तरीके से बहसबाजी करनी है और सड़क छाप और नीचे गिर भी क्या रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं करना तुम्हारे, आप लोग और नीचे गिर भी क्या बहुत डिटेल कर रहे हैं ना, माध्यम से सवाल रागिनी नायक गिवन 50 सेकंड्स टू यू नाउ। हाँ,
देखिए कांग्रेस पार्टी मन वचन और कर्म की धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करती है। हिंदू आतंकवाद जैसे किसी भी शब्दावली का हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते, हमने हमेशा खंडन किया। हमारा मानना है कि आतंकवाद का न रंग होता है न मजहब होता है, ये मानवता के खिलाफ अपराध है, बार बार कहा। लेकिन इन मसलों को गुजरात के चुनाव में घसीट कर लाने वाली पार्टी कौन सी है? क्या हमने अपना रुद्राक्ष और जनेऊ स्वेच्छा से सबसे पहले दिखाना शुरू किया, या जब हम पर गलत आक्षेप लगे तब हमने जवाब दिया? आप देखिए जो व्यक्ति सार्वजनिक जीवन में होता है उसके धर्म का क्या पता नहीं होगा? क्या राहुल गांधी के सर्टिफिकेट पे जो चुनाव का एफिडेविट है लिखा नहीं है कि वो हिंदू है कि नहीं? लेकिन राहुल हिंदू है या गैर हिंदू, ये भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाना चाहती है, क्योंकि उनके पास विकास के सवालों के जवाब आज है नहीं। संबित पात्रा कह रहे हैं शब्दावली का अच्छे से प्रयोग करें, मर्यादित भाषा, वो खुद क्या भाषा बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो कांग्रेस के निशान को खूंजी पंजा कहते हैं, कांग्रेस को दीमक कहते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री को नाइट वॉचमैन और रेनकोट पहनकर नहाने वाला व्यक्ति कहते हैं, सोनिया गांधी जी को जर्सी गाय कहते हैं, शशि थरूर जी की दिवंगत पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं, क्या उन्होंने माफी मांगी? मैं कहती हूं कि प्रधानमंत्री की शान में गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। चाय वाला पर गलत टिप्पणी हुई तो हमने बाहर आकर सार्वजनिक रूप से माफी मांगी, हमने स्वीकारा कि गलती है। लेकिन क्या ये उदार भाव भारतीय जनता पार्टी कभी रखती है? ऐसा आपको एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। मैं फिर कहती हूँ कि सवाल आज गुजरात में ये है कि वो कपड़ा व्यापारी जो 4 करोड़ मीटर कपड़ा रोज बनाता था, वो केवल 2.5 करोड़ क्यों बना पा रहा है? रागी हमने तो नहीं कहा था कि उस रजिस्टर में जाकर अहमद जो है उन अहमद पटेल के नीचे जो है अपना नाम लिखकर आ जाइए, किसी ने नहीं कहा था ना? फिर क्यों वो इस मामले पर बार बार अपने आप को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं? उस क्या वजह है कि आपने अपना डिस्कोर्स चेंज कर दिया है? क्या वजह है कि विकास की आप बात नहीं कर रहे हैं? क्या वजह है कि आप धार्मिक दलाली तो याद रखते हैं लेकिन आप घोटाला याद नहीं रखते? क्या आज भारतीय जनता पार्टी इतनी हतोत्साहित है कि इलेक्शन कमीशन से गुजरात की डेट आगे करवानी पड़ गई? आखिरी कुछ क्षणों में नरेंद्र मोदी जी को घोषणाएं करनी पड़ गई? पूरा विंटर सेशन पार्लियामेंट का स्थगित करके सारे मंत्रिमंडल को उठा के गुजरात ले जाना पड़ा? अब मैं डॉक्टर पात्रा के पास जा रही हूं, मैं डॉक्टर पात्रा इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हिंदू आतंकवाद याद आता है। मैम ये भगवा आतंकवाद किसने कहा था, वही बात तो हमें समझ नहीं आ रहा है। आर यू न्यू टू द पॉलिटिक्स? कांग्रेस नहीं है क्या पॉलिटिक्स में? बयान वो खुद दे रही, राज बब्बर को किसने कहा था बयान दे दें? किसने कपिल सिब्बल को कहा था कि मोदी के लिए कह दे वो तो हिंदू है ही नहीं? किसने कहा था सुरजेवाला से कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, फोटो दिखाए कि ये जनऊधारी है? किसने कहा था? आप उस ट्रैप में फंसे क्यों? नई नवेली पार्टी है क्या आप? वकार साहब बताइए, क्या उस ट्रैप में फंस नहीं रही कांग्रेस? इंदिरा गांधी की तस्वीर, धर्म की राजनीति, आज तो मुसलमानों की कोई चर्चा ही नहीं है गुजरात में, कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो पार्टी जो मुसलमानों की पैरोकार कहलाती थी, आज मंदिर मंदिर जा रही है क्यों? तो बताने की बात की जाए, अब रागिनी जी इतना बोल रही है कि किसी को सुनने को तैयार नहीं है वो। मैं समझता हूं कि अभी आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि आपने कहा कि आसिम वकार तो हैं सेकुलर परचम लेकर अलंबरदार बने हैं, तो आपने ये तो माना कि बाकी जो लोग बैठे हैं वो सेकुलर नहीं हैं। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में जो 16 मेयर के चुनाव हुए उनमें से कांग्रेस एक भी नहीं जीत पाई। क्या पोजिशन हुई, क्यों हुई? मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस पर ध्यान देना चाहिए कि वो इस नीति में, अपनी कौन सी नीति में नाकामयाब हो रही है, क्यों इस नौबत पर आ रही है, ये ज़रूरी है। कांग्रेस को चाहिए कि सबसे पहले वो अपने उन लोगों के मुंह पर टेप लगाए जो बेवजह किए और गलत बयान देने के बाद भारतीय जनता पार्टी को मौका दे देते हैं हमलावर होने का। तीसरी बात, कांग्रेस को चाहिए कि वो ऐसे लोगों से किनारा करे जो गलत तरीके से बयान जारी कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी
सेफ पैसेज चाह रही है, बीजेपी नहीं चाहती है कि उससे विकास पर सवाल पूछा जाए, हाँ। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि नौकरी की बात की जाए, हाँ। बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि रोजगार की बात की जाए, बीजेपी बिल्कुल नहीं चाहती है कि जीडीपी डाउन हो गई इस पर बात की जाए। अरे लेकिन बीजेपी की बात क्यों मान रही है फिर कांग्रेस? वो क्यों नहीं टिकी रहती है अपने मुद्दों पर? क्या वजह है कि कांग्रेस